आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुजरात का फेमस खमण की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसको बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत लोगों से बनता नहीं है। तो बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी। तो ज़रूर देखिएगा पूरा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये रेसिपी जो है एक बार बनाना तो बनता है। तो मैं इडली, ढोकला और खमण दोनों ही आपको शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक कटोरी भर के बेसन लिया हुआ है, और इसको हमें पहले रात में इसको भिगो देना है और सुबह में बनाना है। फिर उसके बाद इसमें जो है 1/4 कप हम लेंगे सूजी। तो यहाँ पे जितना, अगर आपने 2 कप बेसन लिया है तो आधा कप सूजी लें। इनको हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमें डालना है दही। दही डाल के हमें एक मिक्स कटोरी करना है दही इसको। लिया हुआ है, तो देखिए तो यहाँ यहाँ पे पे मैंने मैंने दो बार में डाला है थोड़ा थोड़ा करके। और इसी के अंदर आपको इसको मिक्स करना है, और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। तो देखिए कितना बैटर इसका हमें तैयार करना है। बहुत गीला नहीं करना है, मतलब मीडियम रखना है। उसके बाद ये जब हम रात भर इसको रखेंगे तो इसमें खमीर हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा और जालीदार ढोकला बनता है। तो रात में इसी तरह मैंने करके मिला के इसको रख दिया था। अब सुबह में मैंने इसको नाश्ते में मैं बना रही हूँ, तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका अच्छा सा बैटर हम तैयार कर लेंगे। स्मूथ बैटर तैयार करेंगे, जैसे कि लम्स फ्री हो, और साथ में जो है बिल्कुल जब हम ऊपर से गिराएं तो स्मूथ गिरे इसमें, तब जाके ये अच्छा बनता है। तो बस यहाँ पे देखिए लगभग हमने अच्छे से इसको कर लिया है, एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लिया है। उसके बाद इसमें हम जो है ग्रेट किया हुआ जिंजर और थोड़ी सी चिली, अब अपने स्वाद के अनुसार, मैं बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ तो मैंने चिली एक ही लिया है। आप अपने हिसाब से जैसा तीखा खाते हो वैसा आप ले सकती हैं। उसके बाद स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे, और उसके बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो लास्ट में हमें इसमें जो खाने वाला सोडा होता है वो डालना है, ज़्यादा नहीं, केवल 1/4 डालना है। तो यहाँ पे मैंने सोडा लिया है 1/4, और उस पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप सोडा नहीं आपको पसंद हो तो यहाँ पे 1 पैकेट इनो आप डाल सकती हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस थोड़ा सा ये हल्का हो जाए, स्मूथ हो जाए और झाग छोड़ने लगे, बस हमको ऑयल लगी हुई इस तरह के कंटेनर में डाल दें, या कोई भगोना हो, या इडली और ढोकला बनाने का आपके पास हो तो उसमें भी आप रख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में पानी गर्म कर लिया है, और यहाँ मेरा स्टैंड मिल नहीं रहा था तो मैंने एक जुगाड़ किया, उस पर टिफ़िन रख के उसके ऊपर रख दिया है। बस इस बात का ध्यान देना है कि जब हम इसको कवर कर देंगे तो इसमें से जो स्टीम है ना वो निकलनी नहीं चाहिए, ऐसा हम उसके ऊपर रखें कि वो जो है पूरा अच्छे से कवर हो जाए और उसका जो है स्टीम ना निकले। तो ये मेरे को सही नहीं लग रहा था सेटिंग इसकी, तो मैं इसको फिर से सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब उबाल आ रहा है ना पानी में तो ये थोड़ा सा टेढ़ा होता जा रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या इसमें जुगाड़ लगाऊं। तो अभी फाइनली हो गया है, अब हमने इसको जो है ना अच्छे से इसको कवर कर दिया है। इसको बनने में 10 से 12 से 15 मिनट लगता है, और उसके बाद जो थोड़ा सा बैटर बच गया था उसको मैंने इडली का जो मेकर हमारा है उसमें मैंने डाल दिया है। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है और ये बनता बहुत सुंदर है। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बच ही रहा है तो दोनों ही मैं बना लेती, इडली ढोकला और खमण। तो बस देखिए यहाँ पे ये हो चुका है, 10 मिनट में हमारी इडली ढोकला तैयार हो गया है, खमण भी देख लेंगे तैयार हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल को गरम कर लिया है, क्योंकि हम बना रहे हैं खमण तो इसके लिए हमें पानी तैयार करना है, एक मीठा पानी हम तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे राई डाला, करी पत्ता, हींग और मिर्ची। तो मिर्ची यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला है, क्योंकि थोड़ा सा ये खाने में साथ में अच्छा लगता है, तो इसलिए मिर्ची थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने डाला हुआ है। तो बस यहाँ पे मिर्ची, ये सारी चीज़ें, हींग लास्ट में डाल दिया है मैंने, हींग से का फ्लेवर तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है, तो मैं हींग तो डालना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ।
और हींग क्या होता है हमारे खाने को, क्योंकि बेसन है तो हींग जाना डालना ज़रूरी है, क्योंकि बेसन हैवी होता है। तो बस ये हमारा तैयार हो गया है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो है पानी और शुगर। तो अब मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ, और जितना आपका बैटर हो, जितना मटेरियल बना हो, उस हिसाब से पानी डालें। तो यहाँ पे लगभग 1 गिलास से थोड़ा कम पानी मैंने इसमें ऐड किया है, और अब ये अच्छे से उबाल आने लगा है। तो इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब मैं चीनी डाल दूँगी, मतलब इतना चीनी हो कि मीठा पानी हो जाए। बस उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, और उसके बाद जब ये अच्छे से एक उबाल आ जाएगा तो इसमें धनिया डाल देंगे, धनिया पत्ती, क्योंकि इसका जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ये हो गया है, और हमारा जो दूसरा ढोकला मैंने बनाया था वो भी तैयार हो गया। आपको एक बार चेक करके दिखा देती हूँ। तो देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है। इसको उतार लेते हैं, और इसको जो है उतारने के बाद थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, क्योंकि ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अगर एकदम से आप उठाएंगे तो फिर टूटने का डर रहता है, इसलिए इसको जो है आप पहले ठंडा कर लें। तो यहाँ पे देखिए जो इडली मैंने बनाई थी, तो पहले मैंने उसको इडली को सजा दिया है, और उस पर मैं ये पानी जो है वो पानी में डाल रही हूँ। पानी डालने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऊपर से धनिया से मैंने गार्निश कर दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप सब मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे इडली हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए कितना जाली बना हुआ है, बहुत ज़्यादा और सॉफ्ट बना हुआ है, और जो हमने इसमें सिरप डाला है ना जो तड़का, उससे ये और ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो एक बार जरूर बनाइएगा। और जो आधा तड़का बचा है उसको मैं इस वाले जो ट्रे में मैंने बनाया था इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। इसको कट कर लिया है पीसेस में, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अगर इस तरह से आप बनाती हैं तो बहुत अच्छा बनेगा। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी खमन ढोकले की? बहुत टेस्टी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन इस तरीके से किसी ने नहीं बताया होगा आपको। तो एक बार ज़रूर देखें और ज़रूर बनाएं, खाएं, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और आप सब कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट